श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर क्षेत्र के बेलीपार थाना परिसर में नवनिर्मित मंदिर में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना तथा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ, जिसमें गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। विधायक श्री सिंह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जब हमारे प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। उसी दिन बेलीपार थाना परिसर में भी भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ महाबली हनुमान तथा हम सबके आराध्य राधा कृष्ण भगवान नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष बेलीपार पुरुषोत्तम आनंद सिंह, भाजपा नेता शिव प्रकाश शाही उर्फ बबलू शाही सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, ये थाना बेलीपार प्रांगण में एक प्राचीन काफ़ी मंदिर था, जो काफ़ी पुराना मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसकी साज सज्जा कराई गई है और उसी में आज पूजा पाठ का कार्यक्रम थाना पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। आसपास के जो जन सहयोग से यहाँ पे काफ़ी काम कराया गया है, तो आसपास के जो सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और यहाँ भी पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। सभी थानों पे आज दीपोत्सव और साफ सफाई साज सज्जा का कार्यक्रम भी चल रहा है और थाना क्षेत्र में जितने भी अभी कार्यक्रम थे, आज अयोध्या महोत्सव के अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके चलते वो सभी जगह हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई है। सभी कार्यक्रम अभी तक सकुशल संपन्न हुए हैं और जो भी कार्यक्रम अब अपराह्न शाम में भी होंगे उनमें भी सभी जगह हमारे द्वारा ड्यूटी लगा दी गई और सभी जगह हमारे द्वारा जो निगरानी भी की जा रही कि कहीं किसी समय तरह की कोई समस्या आमजन को उत्पन्न ना होने पाएगी।